हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक है, परपेंडिकुलर लाइंस, इसको कंप्लीट करेंगे। परपेंडिकुलर्स लाइन क्या होती हैं? जब कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच का एंगल एक राइट एंगल होता है। मीन्स कैसे, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ऐसे समझते हैं। लाइन इंटरसेक्ट कैसे करती थी आपको पता था। सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब ये लाइन सपोज ए बी है और दूसरी सी डी है। ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मीन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर। अब ये पॉइंट एम है। अब अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, मींस यहां पर एंगल्स भी बन रहे हैं। एक आपका ये एंगल बन रहा है, एक आपका ये एंगल बन रहा है, एक आपका ये एंगल बन रहा है, एक आपका ये एंगल बन रहा है। जब कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, व्हेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट बोथ एंड एंगल मेड इज अ राइट एंगल, मीन्स ये एंगल एक राइट एंगल बने। राइट एंगल कैसे बनेगा? सपोज एक लाइन सेगमेंट, इसको इरेज करके ही बनाते हैं। नहीं, सपोज एक लाइन सेगमेंट आपका ये था ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। अब ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री अगर बन रहा है तब ये क्या कहलाएंगी? दीज लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। इसको हम लिखते कैसे हैं? ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर। ओके, अब अगर ये एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये चारों ही 90-90 डिग्री के एंगल आपके होंगे। ओके, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन में। एक वर्डिंग और यहां पर आई हुई है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या है? सपोज एक लाइन सेगमेंट है आपका। लाइन सेगमेंट आपको पता है जिसकी लेंथ फिक्स होती है, जिसके दोनों एंड आपको पता है। अब इस लाइन सेगमेंट का कोई एक मिड पॉइंट होगा। सपोज इसका मिड पॉइंट है M। ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट क्या है? M। अब कोई ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो और M से ही क्रॉस होती हो, मींस M पॉइंट से होकर के जा रही है, ये एक लाइन सपोज सी डी है। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये सी डी लाइन जो है ए बी को M पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, मींस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से पार्ट हो गए हमारा? एक हो गया AM, दूसरा हो गया MB। और चूंकि M इसका मिड पॉइंट है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, मींस इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाई सेक्ट करना। बाई मींस दो, सेक्ट मींस उसके सेक्शन करना, इक्वल सेक्शन। ओके, सो अब यहां पर आ जाता है हमारा वर्ड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। मींस अगर एक लाइन दूसरे लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, देन दिस लाइन विल बी कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस कंडीशन में क्या था? ए बी एक लाइन सेगमेंट था एंड एन जो एम एन है लाइन, वो इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? एम एन लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।